क्लास 10th पास करके बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और मैं पूछता हूँ कि आपको क्या करना है, आपका एम्बिशन क्या है। कुछ बच्चे कहते हैं मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे एनडीए करना है। कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं कहते हैं मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। कुछ बच्चे आते हैं सर मुझे आईआईटी करना है। मैंने पूछा आईआईटी करना है, व्हाट इज आईआईटी? सर आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, आईआईटी क्या है? नहीं पता। आईआईटी में कितने कॉलेजेस? नहीं पता। आईआईटी में कौन से ब्रांच हैं ये भी नहीं पता। आईआईटी का एग्ज़ाम कौन से एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा? सर जेई मेन के थ्रू होगा, नहीं जेई एडवांस के थ्रू होता है। तो आईआईटी क्या है, आईआईटी में कौन से कॉलेजेस, आईआईटी बेस्ट आईआईटी कॉलेज इन इंडिया क्यों है, आईआईटी का वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, आईआईटी में कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कौन से ब्रांच में कितनी सीट्स हैं, आईआईटी में जाने के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम होंगे, उसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, और आईआईटी के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानकारी चाहिए वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो के पूरे एंड तक बने रहो। आईआईटी का फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी बातों को मैं वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूंगा। देखो सेल्फ स्टडी करने में हजारों घंटे लग जाते हैं तब आईआईटी का सिलेक्शन होता है। आज ये 10 से 15 मिनट यदि निकालोगे तो पहले आपको पता तो चले कि आईआईटी है क्या और आईआईटी में कॉम्पिटिशन कितना है, कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं और कितनी सीट्स हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप आईआईटी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। यदि आप क्लास 10th, 11th, 12th या 9th, 8th क्लास में हो और आप चाहते हो कि मुझे आईआईटी करना है तो आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहली बात मैं कहता हूँ कि आईआईटी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों है, क्योंकि एनआईआरएफ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज जो इंडिया में है वो आईआईटी ही है। आप देखो ना यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हो आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे है, आईआईटी मद्रास सबसे पहला, सेकंड आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर 5वें नंबर पे, उसके बाद आईआईटी रुड़की, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रूपर एंड आईआईटी पटना। तो ये अलग अलग कौन से स्टेट में है इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन। एनआईआरएफ सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग होता है इंडिया में, जिसके अकॉर्डिंग आईआईटी के जो टॉप इंडिया के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो आईआईटी हैं। कौन से आईआईटी हैं यहाँ पे देख। अब ये टॉप 10 क्यों है? जब आपने सोचा कि मुझे आईआईटी करना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि 4 साल बाद जब मैं बीटेक कर लूंगा, आईआईटी से बाहर निकलूंगा तो मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छा पैकेज मिलेगा। बट कितना कितना मिलेगा? आप देखो पिछले सालों में कितना पैकेज कौन से आईआईटी मिला है इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। एवरेज पैकेज आईआईटी बॉम्बे का 17.91, 17.91 लाख, मतलब 18 लाख के अप्रोक्सीमेटली, जो महीने का 1.5 लाख बनता है। तो आईआईटी बॉम्बे का एवरेज पैकेज 18 लाख रुपए है जो कि महीने का 1.5 लाख, और हाईएस्ट पैकेज कितना है, 1.46 करोड़। सोच सकते हो 1.46 करोड़, एक अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए पर मंथ। ऐसे कुछ बच्चों को मिला होगा, बट एवरेज के ऊपर जाओ, एवरेज से कम या ज़्यादा आपका पैकेज हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, 1.5 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन यू कि आप इस आईआईटी के 4 सालों में क्या सीखा है और आपने क्या वैल्यूज अपने अंदर ऐड किए। ओके, कौन सी कंपनी लेकर के जा रही है, ये भी यहाँ पे लिखा है, सोनी, हुंडई, एयरबस, बहुत सारी कंपनी लेके जा रही है। अच्छा अगला देखो, सेकेंड आईआईटी दिल्ली की बात करें, एवरेज पैकेज 1.25 करोड़, हाईएस्ट पैकेज 2 करोड़। एवरेज कितना हाईएस्ट है, 1.25 करोड़ एवरेज पैकेज है। तो यहाँ पे जब प्लेसमेंट होता है उसमें पैकेज बहुत अच्छे मिलते हैं। आईआईटी गांधीनगर को देखो, आईआईटी हैदराबाद को देखो, आईआईटी कानपुर को देखो, आईआईटी कानपुर का हाईएस्ट पैकेज सबसे ऊपर है 2.8 करोड़। यदि 2.8 करोड़ को मैं महीने में जोड़ता हूँ तो 24-25 लाख पर महीने होता है। इसीलिए आईआईटी टॉप कॉलेजेस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज है, प्लेसमेंट का जो पैकेज है बहुत अच्छा है, और एक रेपुटेड ब्रांडेड कंपनी यहाँ पे लेकर के जाती है इनको। समझ में आ रही बात? हालांकि आईआईटी के अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, बट आईआईटी में खर्चा भी तो कम है पढ़ने में। आगे बताऊंगा फीस स्ट्रक्चर कितना है, क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग से चलता है तो फीस बहुत कम ली जाती है आपसे, बहुत अच्छे से सिखाया जाता है और सीख करके आपकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। ओके ओके, इंडिया में कितने आईआईटीज हैं, जी हाउ मेनी आईआईटीज आर देयर, ये तो मैंने कहा टॉप कॉलेज कौन से हैं। ओके, वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग आईआईटी बॉम्बे का रैंकिंग 47th है। ध्यान से देखो, वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग आईआईटी बॉम्बे का जो रैंकिंग है 47th इन द वर्ल्ड है। इंडिया का सबसे फर्स्ट रैंकिंग यही है, वर्ल्ड का 47th रैंक। इसका स्कोर 80.4 आउट ऑफ 100 है। आईआईटी कितने सारे आईआईटीज हैं इंडिया में? ओके, 23 आईआईटीज हैं। पहले सबसे पहले 1951 में आईआईटी खड़गपुर
स्टैब्लिश हुआ था, सिर्फ एक आईटी था इंडिया में 1951 में। धीरे धीरे करके फिर 7 आईटी, काफ़ी दिन तक 7 आईटी थे, फिर आईटी रुड़की आया, 8th आईटी हुआ, और ऐसे धीरे 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 आज के डेट में 23 आईटी या सीट्स भी बढ़ रही है। देख रहे हो, आईआईटी गांधीनगर, भुवनेश्वर, मद्रास, गुवाहाटी, इंदौर, कानपुर, जोधपुर, खड़गपुर, हैदराबाद, मुंबई, पटना, दिल्ली, रोपड़, मंडी, रुड़की, वाराणसी, जम्मू, पलक्कड़, तिरुपति, गोवा, भिलाई, धरवाड़ एंड आईएसएम धनबाद, ये टोटल 23 कॉलेजेस है जहां पर जो सिलेक्शन है वो जेई मेंस के बाद, जेई एडवांस क्वालिफाई होने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि 23 आईआईटीज हैं, इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप कौन से ब्रांच में जाना चाहते हो, नॉट ओनली आईआईटी में जाना चाहते हो। आपका सपना कि आप सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कौन सा इंजीनियरिंग, कौन सा ब्रांच लेना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी सीट्स हैं इंडिया में। तो अगला टॉपिक हमारे पास है कि कौन सी आईआईटी में कितनी सीट्स कौन से ब्रांच में है। मान लो आपको एरोस्पेस करना है तो आपको पता तो होना चाहिए कि एरोस्पेस की टोटल आईटी में कितनी सीट्स हैं, तभी तो आप सोचे कि मुझे ऑल इंडिया रैंक कितने में आना चाहिए जिससे कि मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग आईटी मिल जाए। तो आप देखो ब्रांच एरोस्पेस, सबसे पहले मैं आईटी बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, आईटी बॉम्बे में एरोस्पेस के 62 सीट्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के 124 सीट्स हैं, और इस तरह से आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। आईटी बॉम्बे का लिस्ट आपके सामने, आईटी भुवनेश्वर है, आईटी खड़गपुर है, आईटी मंडी है, और भी मैं पूरी लिस्ट आपको दे रहा हूँ सारे आईटी का। बने रहो वीडियो के एंड तक बने रहो। सारी आईटी, कौन सी आईटी में कौन से ब्रांच की कितनी सीट्स हैं, ये पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। अगला, और भी कुछ आईटी देखो यहाँ पे, आईटी मद्रास, आईटी वाराणसी, आईटी इंदौर, आईटी दिल्ली, इसमें कितनी सीट्स हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कुछ आईटी में एरोस्पेस है, किसी में मैकेनिकल है, किसी में कंप्यूटर साइंस, किसी में सीट कम है, किसी में ज़्यादा है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप डिसाइड करोगे कि कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, उसमें कितनी सीट्स हैं। आगे बात करते हैं आईटी हैदराबाद, आईटी जोधपुर, आईटी कानपुर, आईटी गांधीनगर, आईटी पटना, आईटी रोपड़, कौन से ब्रांच में कितनी सीट्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है आईटी रुड़की, आईटी धनबाद एंड आईटी गुवाहाटी। आईआईटी धनबाद नहीं होता, धनबाद आईएसएम होता है, ठीक है, बाकी सारे आईआईटीज हैं। तो आप देख सकते हो कि टोटल कितनी सीट्स है, अप्रॉक्सीमेटली 11,000 सीट्स हैं, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। आप सोचो पिछले साल 9 लाख बच्चों ने जेईई मेन का एग्जाम लिखा था, जिसमें से 1.65 लगभग 1.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन जेई एडवांस के लिए हुआ, और उन 1.5 लाख बच्चों में सिर्फ 11 से 12 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन आईटी में होगा, उसमें भी सिर्फ 5,000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो ब्रांच सोचा था वही मिलेगा। मतलब आपका टारगेट क्या है, मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पर देखता हूँ। यदि मैं एक आइडिया लेकर चलता हूँ कि 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, ओके, 10 लाख बच्चों में सबसे पहले 8.5 लाख बच्चे छंट गए और 1.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन हुआ जेई एडवांस के लिए। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है वो जेई मेन का एग्ज़ाम होता है, और जेई मेन के जितने 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं उसमें से 1.5 लाख बच्चे जेई एडवांस लिखने के लिए सेलेक्ट होते हैं। यदि आप यहीं पे हट गए तो आईटी का सपना चकना चूर हो गया, सोचना ही नहीं आईटी के बारे में आपको। आईटी सोचना है तो कम से कम पहले 1.5 लाख में आओ, और जब 1.5 लाख में आ गए तो आप जेई एडवांस का एग्ज़ाम होगा, और सिर्फ इसमें यदि मैं 15,000 सीट भी मान के चलता हूँ तो इसका 10% होता है। 10 लाख बच्चों में 12 से 15 हज़ार बच्चों को अच्छी सीट्स, आईटी की सीट मिल सकती है, उसमें से 5,000 ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको टॉप सीट मिलेगा, जो चाहते हैं। तुम चाहते थे कि मुझे आईटी दिल्ली का कंप्यूटर साइंस मिले, या आप चाहते थे आईटी बॉम्बे का मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिले, या आप चाहते थे आईटी बॉम्बे का एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिले, तो आप क्या चाहते थे वही आपको मिला। ऐसा करने के लिए आपको टॉप ऑल इंडिया रैंक 5,000 के अंदर आना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, प्लानिंग सही नहीं होती। यदि प्लानिंग सही होगी तो आईटी का सपना बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी आईटी में सेलेक्ट हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ मार्क सिर्फ 30-35% होता है, बहुत कम कट ऑफ होता है। आपको 100% स्कोर नहीं करना है, कट ऑफ सिर्फ 30-35% होता है। मैं आगे और डिटेल में आपको ले चल रहा हूँ टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आप देखो कि आईटी में जाने के लिए सबसे पहला जेई मेन का एग्जाम लिखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस बार कुछ ऐसे ही बच्चे मुझे मिले जिनका जेई मेन्स का सिलेक्शन हो गया है, जेई एडवांस लिखने के लिए एलिजिबल हो गए, बट उनका सीबीएसई बोर्ड का जो परसेंटेज था वो 74.2% था, ये 73.6% था, कोई फ़ायदा नहीं होगा।
आईटी काउंसलिंग में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जेई मेंस तो क्वालिफाई हो गए, बट आपको सीबीएसई बोर्ड में भी कम से कम 75% स्कोर करना पड़ेगा. 75% इज द मिनिमम क्राइटेरिया टू गो इनटू द काउंसलिंग. दो इम्पॉर्टेंट बातें, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे बोर्ड छोड़ो ना, आईटी के लिए प्रिपेयर करो, जेई मेंस के. नहीं नहीं नहीं, बोर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, कम से कम 85-90% तो लेके आओ. चलो ठीक है, अपने आप आ जाएगा क्योंकि आप आईटी के लिए पढ़ रहे हो. बट आईटी के लिए पढ़ने बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं, सारे पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ते, और सीबीएसई बोर्ड में नंबर नहीं आएगा. इसलिए पूरा सिलेबस को थॉरली पढ़ना है. हाँ, जो टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उसको और ज़्यादा मेहनत करके आईटी लेवल तक का पढ़ो, जेई मेंस जेई एडवांस लेवल तक का पढ़ो, बट सिलेबस तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपका सीबीएसई में स्कोर होगा और जेई मेंस में भी होगा. तो ये दोनों स्कोर आने के बाद आप जेई एडवांस लिखोगे, और जब जेई एडवांस का कट ऑफ क्रॉस हो जाएगा तब आपका सिलेक्शन आईटी में हो सकता है. ओके, समझ में आ रही बात. जेई मेंस का एग्जाम 300 मार्क्स का होता है. 300 मार्क्स में 100 मार्क्स का फिजिक्स, 100 मार्क्स का केमिस्ट्री और 100 मार्क्स का मैथ्स होता है. 300 नंबर का जेई मेंस का एग्जाम होता है. यदि आप 150 नंबर भी ले आते हो तो बहुत अच्छा परसेंटाइल होता है, 98% ऊपर आपका परसेंटाइल. समझते हो, परसेंटाइल का मतलब उतने परसेंट बच्चे आपसे नीचे स्कोर कर रहे हैं. ठीक है जी, तो आपको 50% स्कोर करने का टारगेट रखना, बहुत बड़ा टारगेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो पेपर होंगे, इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज कटअप नहीं होगा. जेई एडवांस पे आता हूँ उस पर बताऊँगा, सब्जेक्ट वाइज कटअप भी होता है. यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कटअप से मतलब नहीं, टोटल स्कोर से मतलब है. ठीक है जी, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 10 जिसमें 5 का ही आंसर करना होता है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मतलब इसका आंसर मल्टीपल चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जो कि डेसिमल के 2 डिजिट तक हो सकती है. आप जब भी जेई मेंस का एग्जाम लिखोगे तो आप इंस्ट्रक्शन को केयरफुली जरूर पढ़ा करो, क्योंकि हर साल थोड़े बहुत चेंजेज भी हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर में. इसलिए क्वेश्चन पेपर कैसा है, पैटर्न क्या है, निगेटिव मार्किंग कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, इन चीज़ों को जरूर पढ़ो और फिर पेपर अटैम्प्ट करना शुरू करो. ठीक है जी, इसी तरह से आप देख सकते हो 30-30 क्वेश्चन का 90 क्वेश्चन टोटल मिलेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, और 300 मार्क्स का पेपर होगा. ठीक है जी, 3 घंटे का पेपर होता है, और ये साल में 2 बार होता है. ये पेपर जनवरी एंड अप्रैल में यूजुअली होता है. ठीक है, जनवरी का एग्ज़ाम हमेशा अच्छा होता है, और आपका जेई मेन का स्कोर इस बात पे डिपेंड करता है कि बेस्ट ऑफ टू आपका स्कोर क्या है. जनवरी के एग्जाम में कितना परसेंटाइल मिला और अप्रैल में कितना मिला, बेस्ट ऑफ टू के ऊपर आपका फाइनल ऑल इंडिया रैंकिंग बनता है. ठीक है, तो आपको पहले जनवरी में अटेम्प्ट करना है, फिर अप्रैल में करना है. अप्रैल अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पहले फरवरी मार्च में हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बट जनवरी का अटेम्प्ट ईजी होता है, क्योंकि उसके पहले हम पूरा सिलेबस को थॉरली पढ़ चुके होते हैं. इसलिए यदि आप क्लास 12th में हो तो आप 11th के पोर्शन को भी थॉरली पढ़ो, क्योंकि 50% सिलेबस 11th का आएगा, 50% सिलेबस क्लास 12th का आएगा. ये तो होगी जेई मेन्स की बात. जेई मेन्स और डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर हमारा दूसरा वीडियो है. ठीक है, यदि मैं अगली बात करता हूँ जेई एडवांस के बारे में. जेई एडवांस में 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2. 3-3 घंटे का 2 पेपर होता है, 3 आवर्स एंड 3 आवर्स. नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं, बट बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, मोर देन 1 करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ओनली 1 करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं. और किसी किसी टॉपिक में, किसी किसी टाइप में नेगेटिव मार्किंग होता है, किसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं भी होता है, किसी में पार्शियल नेगेटिव मार्किंग भी होता है. यदि आप जेई एडवांस को और डिटेल में जानना चाहते हो, उसके ऊपर मेरा दूसरा वीडियो है, या आप जेई एडवांस की वेबसाइट पे उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें सारे डिटेल दिए हुए, सिलेबस क्या होगा और कैसे कैसे होगा. जो पेपर 1 पेपर 2 है, दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट आता है, और इस यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कटअप भी होता है. मतलब आप सब्जेक्ट वाइज कटअप भी क्रॉस करना है और ओवरऑल कटअप भी क्रॉस करना है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा. देन आपका जो मार्कशीट होगा उसमें लिखा होगा यू आर क्वालिफाइड फॉर आईटी, यू आर क्वालिफाइड इन जेई एडवांस. ये लिखने के लिए हमें बहुत मेहनत की जरूरत है. आपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखा, समझ में आ रही बात. फी स्ट्रक्चर क्या होगा, फी स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट बात है. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं आईटी,
देखो पहली बात तो है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, और यदि फीस ज़्यादा है भी तो इंडिया में बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो आईआईटी के लिए बहुत इजीली एजुकेशन लोन दे देते हैं, इसलिए आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम फीस स्ट्रक्चर बियर कर पाएंगे कि नहीं, अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग मान लो आप अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो आपने एजुकेशन लोन ले लिया और इस बात की गारंटी है कि यदि आपने आईटी से पढ़ा है तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा ढंग की जगह पे, बस थोड़ी सी मेहनत करेगी करनी पड़ेगी प्लेसमेंट के लिए। तो मैं डिटेल में बताता हूँ, आईटी का जो फीस है वो 2.5 लाख रुपये पर एनम होता है, 2.5 लाख रुपये पर एनम ये आईटी का फीस है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी होंगे, आपके पर्सनल खर्चे होंगे, आप जो हॉस्टल में रहोगे, ठीक है, जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत ही कम है। प्राइवेट में कितना खर्चा है? अराउंड 67 इंडिया लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी चार्ज 1 to 10 लाख, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में 2 लाख का चार्ज होता है। कोई भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, दूसरे कॉलेज में क्यों पढ़ोगे? आईटी के लिए तैयारी करो, आईटी पढ़ो, 2.5 लाख रुपये पर एनम में आईटी हो रहा है एंड दूसरा कॉलेज 2 लाख रुपये में आपको पढ़ा रहा है, एंड 8 से 15 लाख रुपये होता है प्राइवेट कॉलेज का। यदि आपका सिलेक्शन आईटी में नहीं हुआ तो आप वीआईटी में जाओगे, एसआरएम में जाओगे, कोचिंग यूनिवर्सिटी में जाओगे, और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पर खर्चा 8 से 15 लाख रुपये पर एनम होगा, बहुत कॉस्टली होगा ये, ठीक है जी। तो आपने देखा पूरी बात मैंने आईटी के बारे में आपको बताई, तो आपका आईटी का सपना साकार हो सकता है यदि आपने प्रिपरेशन ठीक से की होगी, ठीक है जी। तो ये था पूरा वीडियो आईटी के बारे में। आप ऑनलाइन मैथ्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, इस चैनल पे एक से बढ़ के एक और ज़्यादा डिटेल्स वीडियो आपको मिलेंगे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जैसे नए वीडियो आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।